ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। चार तस्वीरां ने तुहाडी टीवी स्क्रीन ते लुधियाणा, मानसा, हुशियारपुर ते कुरुक्षेत्र तों इहो परिवार ने जिन्हां दे अपने अज वी यूक्रेन दे विच फसे ने या जिन्हां दे यूक्रेन दे विच सी ओह वापस आ गए ने। इह परिवार हुण इस वेले की महसूस करदे ने फिलहाल इह समझ पाणा मुश्किल है क्योंकि इक पासे युद्ध वर्गे हालात ते दूजे पासे अपणिआं दा उत्थे फसे होणा। यूक्रेन ते रूस ते तनावपूर्ण इहनां हालातां विचकार भारती लगातार परेशान ने। ज़्यादातर जो उत्थे लोक भारती फसे होए ने ओह विद्यार्थी दसे जाते हैं। इसे करके मापिया वालों भी ज्यादा चिंता जो है वह जाहिर की जा रही है। सरकार तो लगातार मदद की गुहार ये परिवार लगा रहे हैं। रूस और यूक्रेन विचाले तनाव कारण हालात खराब हो गए ने। भारत के कई विद्यार्थी यूक्रेन फसे हुए ने जो वापस आने लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मानसा के कस्बा बरेटा के तीन नौजवान नितिन शर्मा, मनजिंदर सिंह ते पीयूष गोयल MBBS दी पढ़ाई करने लिए यूक्रेन गए सन। तिन्ना दी पढ़ाई वधिया तरीके नाल जारी सी पर हुण रूस अते यूक्रेन दे आपसी तनाव दे कारण इन्हां दे मापे चिंतित ने ते काफी मुश्किलों तो बाद हुण नितिन शर्मा अते मनजिंदर सिंह घर वापस पहुंचे ने पर पीयूष हाले भी यूक्रेन विच फसिया होया है अते उसदे मापे अपने पुत्र दी वापसी दा इंतजार कर रहे ने। भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी करके विद्यार्थियों को वतन वापस आने की अपील की है ते सरकार वालों लगातार कोशिशा करके विद्यार्थियों को वापस लिया जा रहा है पर हालात खराब होने कारण काफी फ्लाइटा बंद हो चुकी ने ते जो फ्लाइटा चल रही ने उन्हां दी टिकटा बहुत ही महंगे मुल ते विक रही ने। भारत सरकार नूं कहना चाहुंदे आ जी जो भी उत्थे अपना इंडियन भारती जो भी बच्चा कोई भी रह रहा जी उन्हां नूं जल्द तो जल्द अपने देश वापस लिया जाए तो सुरक्षित लिया जाए। उधर हुशियारपुर के पिंड खुरदा निवासी हरजिंदर सिंह अपने परिवार नाल पिछले 26 साल तो यूक्रेन विच रह रहा है। हरजिंदर सिंह एक कपड़ा व्यापारी है। उसने दसिया कि रूस और यूक्रेन विचाले तनावपूर्ण हालातों के कारण कारोबार पूरी तरह ठप हो चुका है। हरजिंदर ने दसिया कि जंगी हालातों के चलदियां बहुत सारे विद्यार्थी और भारतीय मूल के लोग यूक्रेन दे विच फसे हुए ने। उसने दसिया कि हालात बहुत ही बुरे। उन्होंने कहा कि जेकर हालात होर खराब हो गए तो वह घर वापसी करनगे। उत्थे हरजिंदर सिंह का परिवार काफी चिंतित है। उन्होंने भारत सरकार तो यूक्रेन विच फसे भारतीय लोगों की मदद करने की अपील भी की है। ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜੇ ਕਹੀਏ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਫਸਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਤਨਾਵਪੂਰ ਨੇ ਭਾਅ ਸਕਰ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੇਵਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫਲੈਟਾਂ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।